असमौली स्थित बायो ऑर्गेनिक्स शुगर मिल में विधि विधान से पूजा अर्चना और मंत्रोच्चार के साथ हवन कर नए गन्ना पेराई सत्र का शुभारंभ किया गया। असमौली बायो ऑर्गेनिक्स चीनी मिल में जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया और पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई ने कैन करियर में गन्ना डालकर पेराई सत्र की शुरुआत की। कार्यक्रम में गन्ना लाने वाले किसानों का सम्मान करते हुए उन्हें फूल माला व शॉल ओढ़ा कर अभिनंदन किया गया। जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया ने बताया कि इस सत्र में किसानों की सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने ओवरलोडिंग से बचने, वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाने और गन्ना समिति द्वारा जारी पर्ची के आधार पर ही गन्ना लाने के निर्देश दिए। डीएम ने कहा, इस बार अधिक गन्ने की पेराई और अधिक शुगर उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। अभी हम लोगों ने जो लक्ष्य रखा हुआ है 1,60,00,000 क्विंटल गन्ने की उपलब्धता के हिसाब से रखा है, और हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे किसानों के सहयोग और उनके विशेष प्रयासों से हम इस लक्ष्य को हासिल करेंगे समय रहते हुए, और अपनी पूरी क्षमता से पिराई करते हुए समय अनुकूल ढंग से अपने सत्र का समापन करेंगे। और जो अभी उनकी ज़रूरत हैं गेहूँ बोने के लिए, शुरुआत में हम कोशिश करेंगे कि अगले 15 दिन के अंदर लगभग सभी लोगों के गेहूँ बोने की स्थिति में वो लोग आ जाएं, जिससे उनको किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। पिछले सत्र में कितना पिराई होगा? पिछले सत्र में हमने करीब 1,49,00,000 क्विंटल के आसपास गन्ने की पिराई करी थी, और उससे थोड़ा बेहतर रखा है। वैसे ये एक चैलेंज है, क्योंकि हमारी बहुत सारी फसल में इस वक्त रेड रॉट लाल सड़न का रोग लगा हुआ है, लेकिन फिर भी हमें आशा है कि हमारे कृषक भाइयों की मेहनत और क्षेत्रीय लोगों की मेहनत की वजह से हम अपने लक्ष्य को हासिल करेंगे। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।